पीएम श्री स्कूल की जो योजना है, इस योजना के साथ हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं को कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों को भी ये कवर करते हैं, और जब ये 1723 विद्यालय एक साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय भी ये सब इसके दायरे में आएंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जुड़ी हुई जो सफलतम कहानी है वह आपके सामने है। प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कोरोना कालखंड में हम लोगों के सामने था कि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो कोचिंग करने के लिए जिन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर जाना होता था, और उस समय जब लॉकडाउन लगा हर अभिभावक कहता था हमारे बच्चों को वापस बुलाओ। खैर, उस समय उन बच्चों को सकुशल वापस बुलाने में डबल इंजन की सरकार ने अपना योगदान दिया, वे सभी बच्चे सकुशल आए। हम लोगों ने तब कहा था टेक्नोलॉजी हो चुकी आ चुकी है, इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हम क्या कर सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी हर जनपद में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कोई भी बालक और बालिका नीट की, आईआईटी जेई की, एनडीए की, सीडीएस की, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की या यूपीएससी की तैयारी के लिए इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकता है। अच्छी फैकल्टी को हमने उनके साथ जोड़ा है, और इसके साथ ही हमारे जो प्रशिक्षु आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, पीपीएस होते हैं, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से निकले हुए जो अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक उसे पास किया है, उन सबको हम अनिवार्य रूप से कहते हैं कि आपको एक क्लास जरूर लेनी है, उन बच्चों के लिए घंटा जरूर दीजिए, और एक घंटा प्रतिदिन आप देंगे। बहुत सारे इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, और यूपी के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर हम देख रहे हैं कि चाहे वो यूपीएससी की किसी भी परीक्षा का हो, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या नीट या आईआईटी जेई का हो, इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों की सेलेक्शन की गति और उनकी दर में बढ़ोतरी हुई है, यह बेसिक शिक्षा में। और पीएम श्री स्कूल तो एक अभिनव प्रयोग है, एक नया प्रयास है, और जिसकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। हमने इसका एक प्रयोग यहां पे किया है, वह किया है जिसमें अटल आवासीय विद्यालय जो श्रमिकों के बच्चों के लिए, या कोरोना काल खंड में जो बच्चे अपने लीगल अभिभावक को खोए हैं उन बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। पहले चरण में हमने 18 ऐसे विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जिनका भी पिछले दिनों ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया है। लगभग 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में हमने वहां पे विद्यालय के भवन बनाए हैं, बालक और बालिकाओं के लिए हॉस्टल भी वहां उपलब्ध करवाए हैं, उनके लिए खेल का मैदान भी दिया है, उनके लिए अत्याधुनिक लैब्स बनाई हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी वहां तैयार की है, और चयन की प्रक्रिया के साथ हमने जोड़ते हुए जब इस कार्यक्रम को देखा है, उसके पहले 3 महीनों के परिणाम को हम लोगों ने जब देखा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो वे स्वयं अभिभूत थे कि वास्तव में ये परिणाम आने चाहिए, ये अपेक्षा होनी भी चाहिए, और ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 57 जनपदों में इसी तर्ज पर इंटीग्रेटेड स्कूल के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ करने की कार्रवाई की है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोग पहले से ही तैयार कर चुके हैं, जो राशि इसी सत्र में हम लोग उन सभी जनपदों के लिए तैयार करने जा रहे हैं।